आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए और धन्यवादी हैं कि शाम के समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेके आया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और जितने भी लोग हमें मैसेज करते हैं YouTube, Facebook और WhatsApp में, उन सब के प्रार्थना निवेदनों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 62 उसका 8 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर हमें हर समय हर बात के लिए प्रभु पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मनों की बातों को भी जानता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए हर बातों को पूरी करता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप मार्ग सत्य और जीवन है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए प्रभु तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु अपने वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी, कि सबका हम सबका विश्वास परमेश्वर पिता आप पर है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु अपनी बीमारियों के लिए प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू उन्हें चंगा करेगा, तू उन्हें ठीक करेगा। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी बीमारियों से उन्हें राहत दें, आप उन्हें चंगाई दें प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर। हर एक शैतान के बंधनों से आप छुटकारा दें प्रभु जी, हर एक प्रभु जानलेवा बीमारी प्रभु आप छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु यदि अभी किसी को भी प्रभु किसी भी प्रकार की बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके जीवनों में चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। आप उनके बीमारियों को चंगा करें पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी बहुत चिंतित हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु तुझ पर है और आप उनके लिए रास्तों को खोले परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावर उनकी सारी चिंताएँ प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, कि आप उनकी टेंशन को दूर करके उन्हें राइट डिसीजन लेने में सहायता और मदद करें प्रभु। पिता जो अपने जॉब के लिए चिंतित हैं, आप उन्हें अच्छी जॉब दे परमेश्वर पिता, क्योंकि उनको पिता हर एक का भरोसा प्रभु तुझ पर है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप परमेश्वर उत्तम बातों को हमारे जीवनों में देते हैं प्रभु जी। जो कोई अपने भविष्य के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता, उन सब के भविष्य की चिंताओं को प्रभु जी हम आपके सामर्थी हाथों पर रखते हैं परमेश्वर पिता, कि आप उनके जीवनों में कार्य करें परमेश्वर पिता, आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने शादी के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, आप उनके लिए शादी के लिए प्रभु मार्ग को तैयार करें, एक राइट लाइफ पार्टनर दें प्रभु जी, उनके मन चाहा प्रभु जी लाइफ पार्टनर उन्हें दें परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके जीवनों में प्रभु गड़बड़ियाँ चल रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन की गड़बड़ियों को दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु हर एक का भरोसा प्रभु तुझ पर है, क्योंकि आप सब कुछ सुलझाने वाले, आप सब कुछ अच्छा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप हर एक को मुसीबत से निकालने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आज के दिन में फ्रस्ट्रेशन में है प्रभु, और पिता न जाने किस तकलीफ में है परमेश्वर, और बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में है परमेश्वर पिता। पिता उन लोगों को भी पिता इन सारी टेम्पटेशन से, इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाले परमेश्वर। प्यारे खुदावन अपने शांति और आनंद से उन्हें भरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिनके घर में लड़ाई झगड़े प्रभु निरंतर बने हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उनके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करें। शैतान जो उनके जीवनों में गड़बड़ियों को और लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, और प्रभु जी एक दूसरे के प्रति शक को और गलत बातों को लाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन सारी गलत बातों को दूर करते हैं प्रभु जी। उनके सारे
जो कलेश उनके जीवन में आता है उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, अपनी शांति, अपना आनंद, और पिता हर एक गलत बात उनके जीवन से दूर कर प्रभु, और अपने भलाइयों को प्रभु उनके जीवन में दे प्रभु, उनके जीवनों को बदल दीजिए, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु इनका भरोसा, सबका भरोसा प्रभु आप पर है परमेश्वर, क्योंकि आप उनके शरणागत हैं परमेश्वर, आप उनके शरणस्थान हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि पिता हर कोई प्रभु आपसे परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी उन सब की प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जो अपना घर बनाना चाहते हैं यीशु, आप उनके लिए प्रभु मार्ग को तैयार करें, जो कर्जे में है प्रभु आप उनके कर्जों को चुकाएं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।